और जब चारों के चारों एक ही जगह पे रखे जाते हैं तो ना तो शैतान उठ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजी और गाइस आज मैं बढ़िया से बैठा रेजिडेंट इविल 4 खेलने के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि यार इसकी बैक स्टोरी तो मेरे को पता ही नहीं है यार। इसलिए ना अब हम रेजिडेंट इविल के सारे गेम्स खेलने वाले हैं, वो भी शुरू से। सो आज मैं सबसे पहले खेलूंगा रेजिडेंट इविल 1। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये 2002 का इसका रिमास्टर्ड एडिशन है, ओरिजिनल वाला नहीं है, क्योंकि उसके ग्राफिक्स तो कतई क्या बोलूं, मतलब कतई खत्म थे उसके ग्राफिक्स। बाकी अगर तुम्हें स्टोरी पता है और इस गेम के बारे में तुम्हें चीजें समझ आते रहती है तो तुम कॉमेंट्स में ना बताते रहना मुझे, मैं खेलते रहता हूँ। और चलो साथ शुरू करते हैं फिर ये गेम। भाई सोने तो बेचारे को, सोने क्या रे, गोली क्यों मारती बेचारे को यार। अच्छा खासा सोया पड़ा था, जॉम्बी भी था तो यार सोया तो था, हल्का उठ रहा था। तो किसी की आग बनी हुई है पीछे पे, भाई जॉम्बी वॉम्बी की आग वाग चल रही है। चलो फिलहाल नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंट इविल बोल दिया है भाई ने। तो भाई यहाँ पे मैं कैरेक्टर छाटना है तो शायद से दो लोग हैं, ये क्रिस रेडफील्ड है और दूसरी ये जिल वैलेंटाइन है। तो भाई गेम वैसे ही इतना बासी सा गेम दिख रहा है, जिल का ही कैरेक्टर ले लेते हैं कम से कम गेम में कुछ, क्या पता दोनों के एडवेंचर्स डिफरेंट हो, बट अभी जिल का ही लेते हैं कैरेक्टर ना, उसी को कंप्लीट करते हैं। अल्फा टीम इज फ्लाइंग अराउंड द फॉरेस्ट ज़ोन सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट रैकून सिटी। ओके, वी आर सर्चिंग फॉर द हेलीकॉप्टर ऑफ आवर कंपैट्रियट्स ब्रावो टीम हु डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ देयर मिशन। अच्छा ब्रावो टीम थी ना वो गायब हो गई है, तो अब ये लोग ना उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। भाई जंगल अंगल में तो खो ही जाएंगे भाई। रैकून सिटी में प्रॉब्लम हो रही है। Landish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently... अरे नहीं, खा जा रहे हैं भाई। रैकून सिटी में लोगों पे हमले हो जा रहे हैं और वहाँ विक्टिम्स को खा जा रहे हैं भाई। But we lost contact. और ब्रावो टीम उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी, बट वो भाई कहाँ चले गए वो भाई? उनका हेलीकॉप्टर ना क्रैश हो गया है, तो ये लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर चेक करने के लिए। भाई अटैक अटैक हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, जंगल अंगल में ऐसे नहीं करते चेकिंग भाई। ओके भाई, केविन की बॉडी मिली ने, बट केविन उठा क्या? भाई जॉम्बी वॉम्बी है, उड़ भी सकता है वो। ओके फिर इन लोगों ने दूसरे मेंबर्स की जांच पड़ताल करी, ढूंढा उनको मतलब, और उसके बाद भाई जो इनने देखा ना, इनकी फटके चार हो गई। और क्या देखा वो हम खेलेंगे और हमें पता चलेगा इनने क्या क्या देखा। तो ये जिल है, वो क्रिस है, ये जोसेफ का कैम है यार, तो जोसेफ एफ लिख रखा है, क्रिस जोसेफ था क्या नाम भी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं अच्छे से। खेलते खेलते हो जाएगा गाइस यार, फिर नाम ना इन लोगों के कौन से इनके से एक्स्ट्रा लोग आ रखे हैं शायद से। भाई अटैक, इस पर अटैक होता है, इसे मरता है, ये साइड कैरेक्टर लग रहा है, जोसेफ भाई है ये मरता है गारंटी। मरो जोसेफ भाई, पीछे से मामला भाई, पीछे देख, अरे आगे मत देख, पीछे की तरफ देख भाई। कुत्ते ने अटैक कर दिया, जॉम्बी वाले डॉग भी चल रहे क्या इसमें भाई? हाँ हाँ, डॉग ने अटैक कर दिया भाई, उसके कैंप पे पूरा भाई। डॉग एक भी नहीं है भाई, दो तीन कुत्ते हैं, एक ही कुत्ता है, दो तीन है यार भाई। जिल की तो हालत खराब हो गई, क्या देख दिया उसने भाई, इतने सारे कुत्ते, अरे हमारे बीच मत पड़ जाना यार। अब इस गेम ऐसे स्टार्ट ना हो यार कि हमारे बीच पड़ रहा हो, हम भाग रहे हैं भाई, रेबीज हो गया क्या इन कुत्तों को यार, लुत्ता उत्ता हो गया इनको। पीछे मत पड़ रहा है यार, मत पड़ो पे पीछे। अरे भाई बचा दिया, बच गई बेचारी, बच गई। अभी कहीं भाग, भागो भाई, कहाँ रुके हुए हो, निकलो यहाँ से भी, जितना तेज भाग सकते हो भागो। ओके अरे कुत्ता, एलियन विलियन भी आ रहे क्या? नहीं नहीं हेलीकॉप्टर ही है भाई, ये अगला हेलीकॉप्टर है। ओ भाई भाग गया एक बंदा, ब्रैड चला गया हेलीकॉप्टर लेके, और इसको काट दिया क्या? नहीं बच गई भाई, ये कौन आया अब? बच गया भाई, बट ये कोई नया बंदा आ गया, एक बंदा तो ब्रैड तो भाग गया भाई, हेलीकॉप्टर वाला जो इनका गाया था वो तो भाग गया, और ये किसी ने इसको बचाया। और ये लोग कहाँ भाग रहे हैं भागते भागते? मेंशन भाई, बिल्डिंग है सामने पे एक। ओके भाई बड़ा महल वहल टाइप का है। ओके अब ये लोग इस मेंशन में चले जाने वाले हैं मुझे लग रहा है। ओके तीन लोग बचे हैं बस, और इनको पता नहीं कि क्रिस कहाँ चला गया। What is this place? Okay, तो अगर हमने क्रिस का कैरेक्टर लिया होता तो हमें पता नहीं होता कि जिल कहाँ चलेगी। अब हमने इसका कैरेक्टर लिया तो हमें उसका कैरेक्टर नहीं पता कि कहाँ है। Hey, Whisker, हम तीनों ही हैं, ठीक है? Jill, ये वेस्कर है, ठीक है? You don't want to go back out. ये बंदा वेस्कर है, वो जिल है। ओ भाई गोली चली। What was that? गोली चली, गोली चली। क्रिस? क्रिस अंदर है क्या? क्रिस साथ ही तो भाग रहा होगा तुम्हारे। चलो अब मैं जाके ना इन्वेस्टिगेट करना है अंदर।
कि आखिर सीन क्या चल रहा है। अरे भाई मैं जा रहा हूँ खेलना, मैंने भाई तूने थोड़े खेल ला है। हाँ भाई चलो हम दोनों चलते हैं, तू वहीं रुके रहो भाई। ओके तो अंदर की तरफ भाई मेंशन में पहुंच गए ना गाइस यार। अब पता है यहाँ होंगे असली तमाशे, जो चीजें इनके साथ हाथ खुलने में नहीं हो सकती थी ना वो सब ना अंडे शंट नौटंकिया ना अंड बंड झोला झंडा नौटंकिया सब इनके साथ होने वाली है अभी। बस ये मरता है, ये मरेगा वाला बंदा, फिर भी नहीं लग रहा मरेगा ना, बट इसका लग रहा है मुझे मरने का सीन पक्का होने वाला है। हाँ भाई डाइनिंग रूम में पहुंच गए, बैठो अभी खाना वाला लगाते हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया चिकन मोमो मटन मोमो जो खाओगे पकाएंगे। भाई स्टार्ट हो गया, गेम प्ले कैसा है इसका? ये तो बड़ा अजीब टाइप का गेम प्ले है यार, ये क्या पड़ा है? अब यो पड़ा है भाई, क्या ये इंक रिबन फॉर टाइपराइटर? भाई इधर पे टाइपराइटर है, इट्स एन ओल्ड टाइपराइटर। हाँ दिख रहा है हमें, ये पुराने टाइम का टाइपराइटर है। और यू कैन सेव योर प्रोग्रेस, टाइपराइटर में प्रोग्रेस कौन सेव करता है? चलो करते होंगे, क्या पता है जिस जमाने का गेम हो उस जमाने में टाइपराइटर से ही गेम सेव करते होंगे। अभी फिलहाल हमें ये करना है कि हमें क्रिस को ढूंढना है। और क्रिस किधर है भाई? और वो कहाँ गया, वो कबूतर जो मरता आया था अभी? तेरा नाम क्या था, नाम भूल गया मैं तेरा भाई, चाट वाट के चेक कर रहा है खूने के ब्लड है भाई। हाँ ओके जिल, मैं जैम मैम पड़ा होगा, ब्लड नहीं है भाई वो। I'll be examining this. क्या examine करेगा तू ब्लड में? Hope it's not Chris. अच्छा DNA test test करेगा, और क्या पता गाइस इनके पास टेक्नोलॉजी इस लेवल की होती हो, या सूंघ के भाई सूंघ के चाट के ही बताया था भाई किसका खून है। ओके okay, हम जाते हैं भाई, हम इधर उधर जाते हैं, हम ढूंढते हैं भाई ऐसी नोटिंगों में नहीं रहते भाई। ये दरवाजा है क्या जाने वाला? ओके okay. मैप वगैरह भी तो होता होगा। यहाँ पे से हमने एंटर किया, ये फिर अब टाइपराइटर वाला एरिया आ गया, अभी हम यहाँ पे चले गए। ओके चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जिल ने देखा कि सामने एक ज़ॉम्बी किसी बेचारे मासूम से इंसान को खा रहा था। क्रिस को तो नहीं मार दिया तूने? फिर जिल की तब फटी जब वो ज़ॉम्बी जिल की तरफ मुड़ा और ज़ॉम्बी ने कहा कि भाई जिल आ जा मैं तुझे खाता हूँ। जिल जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। भाई अरे भाई किधर भाई गोली खाई तो? अरे भाई काट दिया, काट दिया, काट मत मेरे भाई। अरे ज़ॉम्बी कबाड़ी तू इसको इस, अरे भाई कितनी गोली खाएगा भाई? अरे यार मरवा क्यों नहीं रहे भाई यार, ऐसे तो मैं मारते ही रह जाऊंगा भाई। भाई 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 इसको चाकू से मारना था क्या भाई? चाकू कैसे निकालूं मैं भाई? अरे यार पूरी जेल की रेड मार दी इसने, जेल मारी गई। You are dead. Yes, I'm dead. I know that I'm dead. इधर पे आ। वल्ला की मर गया। ज़ॉम्बी मारा गया। इसको मार दिया हमने भाई। ये पेल किसको रहा था? लेकिन ये क्रिस तो नहीं था ये? ये तो नहीं है क्रिस? जिल चेक करो कौन है? तो केनेथ कोई करके है बंदा, ये कॉमरेड इनका, उसकी बॉडी है लगता है कि वो हाथ में कुछ पकड़े हुए है। क्या पकड़े हुए है भाई? इट्स द फिल्म दैट बिलोंग टू केनेथ। तो कहीं वीडियो प्लेयर मिलेगा तो भाई देखेंगे इसमें क्या चीज है इस कैसेट में। फिर तू जिंदा तो नहीं होता ना ये ज़ॉम्बी के काटने के बाद? अरे बेचारी जिल को अकेले इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया, दरवाजे कैसे खुलेगा? बेटर रिपोर्ट बैक टू वेस्कर। तो के कह रही है वेस्कर के पास जाते हैं। तो वेस्कर वाला बंदा था जो बाहर पे खड़ा है, सबसे गेट पे जो सबसे बाहर खड़ा है, बैरी नाम का बंदा है, वो जो खून चाटने में लगा है वहां, जो मतलब खून की डीएनए टेस्टिंग कर रहा है, उसे पता लगा रहा है कि वो क्रिस का ब्लड तो नहीं है कहीं। ये लोग ना इस काम करते हैं स्टार्स के लिए, स्टार्स मतलब आसमान वाले तारे नहीं, स्पेशल टैक्टिक्स एंड रेस्क्यू सर्विसेज। और ये लोग ना भाई ऐसे शहर में ड्रामे ड्रामे चल रहे होते हैं तो उनको भाई इसे सही करते हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ पता करने, दरवाजा हम खोलेंगे और उसके बाद हम वेस्कर पे जाएंगे। ये दरवाजे खोलने में कितना जो टाइम लग जा रहा है यार इसमें। ओ भाई नहीं, बैरी पे क्या हुआ? भाई और ज़ॉम्बी आ गया, एक और ज़ॉम्बी आ गया। अरे बैरी भाई मार, जल्दी मार, जल्दी मार। चलो यार कम से कम इसको बैरी संभाल लेगा। अरे नहीं भाई ये तो कूद गया बैरी पे, बैरी गया, बैरी गया, बच गया, आई मीन बैरी बच गया, वो फिर से जिंदा होता है। भाई यही तो ज़ॉम्बी चल रहे हैं, ये तो खा रहे हैं इंसानों को। केनेथ को केनेथ तो नहीं था कहीं ये? भाई केनेथ ज़ॉम्बी बन के आ गया हो क्या पता। चलो ये चीज ना अभी है कि ये लोग जा रहे हैं, ये कह रही है कि वेस्कर को बता के आते हैं कि भाई ऐसा ड्रामा चल रहा है यहाँ। ए ज़ॉम्बासुर, ज़ॉम्बी से बोलते हैं रेजिडेंट ईविल वालों को, या वॉकर वॉकर तो नहीं बोलते कहीं? भाई वेस्कर गायब, वेस्कर नहीं है इधर पे, क्रिस गायब हुआ था, अब वेस्कर भी गायब हो गया है। ओके हाँ हाँ लूटते हैं चलो भाई, साथ साथ ही रहना, अकेले अकेले जाओगे ना मारे जाओगे पक्का, जब तक साथ हो तब तक बहुत चांसेस है कि बच जाओगे। ओ भाई ऊपर पहुंच गए अब ठीक है। यहाँ भी मुझे लग रहा है ना कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी फिर ही तो रही होगा पक्का। भाई पेंटिंग्स वगैरह में भी सब डरावनी डरावनी बनी है ये। मैं भाई मुझे लगा कोई आ गया भाई, यही दीवार की तरफ है भाई, इसी की शेडो दिख रही है। अरे बैरी भाई कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर पूरे चक्कर मार के आ गया, कुछ नहीं है ऊपर भी।
can't figure it out. इनके समझ नहीं आ रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है. And now Wesker. पहले क्रिस गायब हुआ, अब वेस्कर गायब हुआ, अब केनेथ पे भी तो हमला हुआ, उसकी तो बात ही नहीं कर रही है. अरे सेपरेटली नहीं. Okay then, I'll try the door on the other side. बस बेरी भाई भी जाता है. बहुत बड़ा है भाई महल, बहुत राजा वजा रहते होंगे यहाँ पहले. Okay. Oh, I almost forgot. Okay, क्या दे रहा है? Okay, lock pick दे रहा है मैं. तुझे नहीं आता क्या यूज करना? ताले वाले खोलना हमें आता है, हम एक्सपर्ट हैं ताले वाले खोलने में. Okay, तो lock pick. ठीक है, रख लो उसको. कहाँ पे रखते हैं भाई? इन्वेंट्री में रख लिया. Something happens. जैसे कुछ होता है तो अगर तो इसी हॉल में मिलेंगे भाई. कुछ हो जाएगा तो कैसे मिलोगे? तू वहां मर जाएगा या वहां मर जाएगी? तो यार बैरी तो उधर चल दिया है, अब हमें क्रिस को ढूंढना है. उस बोला वो भी क्रिस को ढूंढने चल दिया है, बट वो उधर डायरेक्शन में चल दिया है. हम लोग इस वाले दरवाजे में, कह रही थी कि इस वाले दरवाजे की तरफ जाके चेक करेंगे. चलो जाते हैं कि अब कहाँ पहुंचेंगे. देखो इस दरवाजे से अब भाई सामने से ज़ॉम्बी ऑम्बी अटैक मत कर देना बस यार. खिसका रही है क्या इसको? अच्छा उसको साइड को खिसकाओ. ओके पुश कर सकते हैं भाई. खिसका उधर ज्यादा मत खिसका ना उधर भाई. यहाँ पे कुछ चमक रहा था, इसके अंदर कुछ चमक रहा है. इन्वेस्टिगेट करें इसको भाई. वुमेन ड्रॉइंग वाटर, मतलब एक औरत पानी निकालते हुए, बट पानी कहाँ से निकालते? पानी वानी का तो कुछ आइडिया सोर्स भाई. दरवाजा बंद है भाई. अरे खिसका मत जेल, ज्यादा ताकत मत दिखा दो अपनी, शक्ति प्रदर्शन मत कर भाई. ये इनके मैनिक्विन के अंदर से ज़ॉम्बी तो नहीं निकलेंगे ना यार? ऐसे मत दे देना यार जंप स्केयर्स भाई. वेरियस आर्ट सप्लाईज, हाँ आर्ट ही आर्ट की सप्लाईज भाई. वो कुछ है भाई. वो सॉर्ड तलवार भाई. विल यू टेक दिस डैगर? यस. ओके तो ये हमें एक ना डैगर मिल गया है, खंजर. इस खंजर से शायद हम अपनी थोड़ी जानवान बचा लें. बाकी इधर भाई ज़ॉम्बी आया मुझे लग रहा है सामने से, और बहुत ही क्लोज रेंज में आ गया. तो अरे गई क्या भाई? भाई अरे शूट तो कर रहे थे. एक मर जा भाई, उड़ गया. हेडशॉट भाई. मर गया. मजा आ गया. मैंने कहा था भी गई थी, और ना भाई संभल के भाई मुंह के आगे आ जा रहे ज़ॉम्बीज वगैरह. तो यार बाकी तो दरवाजे यहाँ सब बंद ही चल रहे हैं यार, और कहीं से जाने का है नहीं. इधर की तरफ देखते हैं फिर, क्या पता इधर कुछ नया खुल गया हो. बाकी यार तीनों साथ रहते ना सब लोग यार, ये अलग अलग हो गए भाई. अलग अलग में तो ज़ॉम्बीज भी पड़ेंगे, बहुत बुरा ही होगा इनके साथ. चलो इस बार ये दरवाजा खुल गया, इस बार ना दरवाजे से होते हुए आगे की तरफ जाते हैं और क्रिस भाई को ढूंढते हैं. अरे भाई मुझे शैडो दिखी, मुझे लगा ऐसा किसी ने हमला कर दिया भाई. यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई पक्का. ये मरा पड़ा भाई, कौन गिरा हुआ है ये भाई? इस मेंशन में हुआ क्या? यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ. मुझे भी नहीं पता ना इस मेंशन में क्या हुआ है. मुझे पता होता जेल में तुझे बताया था यार. भाई कंट्रोल्स ना थोड़े अजीब से ही हैं यार इस गेम के. लेकिन क्या करें, स्टोरी समझने के लिए गेम तो खेलना ही पड़ेगा ना यार हमने. भाई एक और डेड बॉडी. कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं भाई, जिंदा तो नहीं होती होंगी. विल यू टेक दिस झाड़? हाँ दे दो झाड़. इस झाड़ से कुछ तो होता होगा भाई. आवाज़ आई. अरे नहीं, ज़ॉम्बी सुर. ले गोली खा. मर गया ना, दोबारा तो नहीं उठेगा. Several days later. तो भाई ऐसा हुआ कि मैंने गेम खेलना तो शुरू किया, बट मैं भूल गया कि भाई मैं गेम भी खेल रहा था. और आज 15-20 दिन हो गए, और 15-20 दिन बाद ना मैं फिर से खेल रहा हूँ. और सेव ना थोड़ा पीछे से हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ से खेलना पड़ रहा है. बट यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक चीज आई. मैंने कहा देखो यहाँ पर ना इस मटके वाली औरत के हाथ में, मटके में एक कोई डिस्क जैसी दिख रही है भाई, टेप जैसी दिख रही है. तो अगर ना हम कैसे भी करके इसको खिसका सकें ऊपर चढ़ जिल, और जिल यहाँ पे चली. जिल ने पकड़ा मटका भाई. देयर्स अ मैप ऑफ द मेंशन 1F. ओके तो यार डिस्क नहीं है वो, टेक इट भाई. हाँ लेना है मुझे भाई, मैप है वो. ओके तो गाइस हमें इस वाले एरिया का भी मैप मिल गया. थोड़ा सा आगे आ गया. दो गोली भाई. हेड शॉट सीधे खोपड़ी उड़ा दी इसकी मैंने. ओ भाई यहाँ पे ती रखे तो हम ये भी उठा लेते हैं भाई, क्या पता है काम आ जाए. और ये पेंटिंग्स पे क्या क्या बना रखी हैं भाई, ऐसी भूतिया हवेली में रहता कौन है? चलो ठीक है ना, यहाँ पे अटैक वटैक बाद में हुआ होगा ज़ॉम्बीज का, ठीक है. जो लोग पहले से रहते होंगे यहाँ, मतलब क्या सोच के रहते होंगे भाई? नहीं भाई ये दरवाजा भी है. यू अनलॉक्ड इट भाई? मैंने इस दरवाजे को अनलॉक कर दिया, बट मैंने क्या यूज़ किया? मैंने कोई डैगर वगैरह को यूज़ किया क्या? चलो ये वाला दरवाजा मैंने खोल दिया है, जाके देखते हैं भाई. ये किसी की शेडो जैसी गई भाई. ज़ॉम्बी उधर पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे ब्लू कलर का जैम भी है कोई. ओके भाई तुझे मैं छोड़ दूँ, मार दूँ, मार ही. ओ भाई एक गोली मर गया. कुछ देगा भाई तू मुझे? अरे भाई अभी तो मारता तेरे को. ये मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं क्या भाई? मर जा भाई मेरे. मैं दोबारा जिंदा हो जा रहे हैं. ये मैं लेना चाह रहा हूँ, बट ये इसको एग्जामिन ही नहीं कर रही है. बट नहीं ले पाते होंगे भी शायद से. ओ भाई यहाँ पे डैगर मिल गया मेरे को एक. तो फिर से भाई यहाँ से जाते हैं इधर को. तो इसमें हम दोबारा से ना वो हॉल वाले एरिया में आ गए, और यहीं से ना आप शायद से हमने इधर की तरफ जानना है. तो भाई ये वाला दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि मैप में ना और कहीं भी जाने का जैसा दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे से दिख रहा था कि
कुछ चेंज सा हो गया है। ओके लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गए भैया, मेंशन में और अंदर की तरफ आ गए क्या हम भाई? कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर ना हो इधर पे बस। मॉन्स्टर भी तो होते होंगे यार, खाली जॉम्बीज थोड़ा होते होंगे इसमें भाई। कब्रिस्तान वब्रिस्तान में पहुंच गए क्या? कब्रें पड़ी हुई हैं यार किसी की। ओके तो भाई इधर की तरफ क्या है? वो पीछे कुछ चमक रहा है यार, लेकिन ये लॉक्ड है फ्रॉम द अदर साइड, तो हम जा नहीं सकते वो लेने के लिए। तो ये कब्रें हैं गाइस यार, बट ना इन पे किसी के नाम नहीं लिखे हुए हैं, पता नहीं किसके हैं भाई। ये भी तो किसी का टूम स्टोन है। ओके तो अ टूम स्टोन इंग्रेव्ड विद द पिक्चर ऑफ एन एंजल, बट यहाँ पे एक इंडेंटेशन है जिसमें एक एरो का हेड लगाना है। एरो का हेड लगाना है भाई, हमको एरो तो मिला था ना थोड़ी देर पहले। रुको कहाँ गया एरो? ये हमें एरो तो मिला था, इसको यूज़ करें फिर, क्लिक करके इसको एग्जामिन करते हैं फिर पहले। हाँ द एरो हेड लुक्स लाइक इट कैन बी रिमूव्ड। ओके तो जो एरो हेड है ना हम रिमूव कर सकते हैं। ओके इसको रिमूव कर लो, इसको निकाल दिया हमने। तो गरीब आदमी का एमरल्ड कहा जाता है बल इसको यूज़। तो हमने इसको यूज़ किया और हमने ना इसको यहाँ पे लगा दिया। अब शायद से ना कुछ रास्ता वस्ता खुल जाएगा, और खुल ही गया गाइस यार। कहाँ गया भाई? कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी ना आ जाए बस। ये नीचे की तरफ ना एक रास्ता खुल गया है भाई। ये मैंशन बहुत ही मिस्टीरियस है भाई। कोई नीचे से आ रहा है क्या? आवाज़ जैसी आ रही ना नीचे किसी की, मुझे लग रहा है कोई नीचे हो सकता है, पक्का हो सकता है भाई। वो क्या रहे हैं भाई, ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? ओके ओके यहाँ तो व्हील चल रहा है भाई। भाई चक्की वक्की है क्या? गेहूँ वो पिस रहा है भाई। इस स्टैचू में आँखें नहीं है, इसमें इसके लिए आँखें टूटनी पड़ेंगी, और इसके लिए आँख नाक मुँह सब कुछ टूटना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ है क्या? अब बुक इज फिटेड परफेक्टली इन द इंडेंटेशन, निशान पे ना एक बुक रखी हुई है। और ये ना बुक ऑफ कर्सेज है भाई, श्रापों की किताब है। इसको यूज कर सकता हूँ मैं, श्राप भी दे सकता हूँ क्या किसी को? भाई ऐसे आया तो मैं तो सारे ज़ॉम्बीज़ को देता हूँ श्राप। भाई इसके पीछे चाबी भी है। ओके इसके पीछे एक चाबी है। हाँ चाबी चाहिए मुझे यार। यू गॉट द मेंशन की, हमें मेंशन की चाबी मिल गई भाई, लेकिन कहाँ की? बट मेंशन में कहाँ की चाबी? और किताब भी खुल गई। तो यार इस बुक में लिखा हुआ है कि चार मास्क होते हैं। एक मास्क है ना वो बुरानी बोलता है, दूसरा मास्क बुरानी सूंघता है, तीसरा बुरानी देखता है, और चौथा वो बोल ही नहीं सकता और स्मेल ही नहीं कर सकता। और जब चारों के चारों एक ही जगह पे रखे जाते हैं तो ना तो शैतान उठ जाएगा भाई। कौन सा शैतान उठाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं ये चार मास्क है गाइस। चलो इनका कोई मिस्ट्री होगी, आगे जाके मैं इनकी मिस्ट्री दिखेगी तो हम ट्राई करेंगे। बट उससे पहले हमने चाबी निकाल ली मेंशन की, इससे हमें क्या पता कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये आग ना बढ़ते जा रही है, और ना कभी भी आग बहुत तेज़ हो सकती है भाई, सब कुछ भस्म हो जाएगा क्या इधर? भाई ये सीढ़ियाँ कैसी लग रही है देखो, लग नहीं रहा देखने में ना कि इतनी ज़्यादा होंगी, बट दिख हैं कितनी सारी। फिलहाल ना वापस अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये जो मेंशन की मिली है इससे कहीं ना कहीं का रास्ता तो खुलेगा ही। ढूंढना तो हमने बेसिकली अभी पहले कैप्टन विस्कर को है, उसके बाद क्रिस को है, क्योंकि वो भी गायब हो गए ना यार। भाई यहाँ मेंशन की चल गई, चलो इस दरवाजे में चल गई, जब फिर दरवाज़ा। अब ऐसा ना हो कि अरे एक चाबी एक ही बार चलती हो, अपने साथ लेके रखना जिल, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़ा मेंशन है, तेरे पास चाबी पड़ी हुई तो इधर उधर ना तो आराम से जा सकती है। बाकी यार मैंने एक चीज़ देखी ना, ये जो ब्लू कलर के डोर्स हो जा रहे हैं, जिनका कलर ब्लू हो जा रहा है, इसका मतलब ना हम इनसे जा चुके हैं, मतलब इनको अनलॉक कर चुके हैं। और जो रेड हैं इसका मतलब ये लॉक्ड हैं, और ये जो ग्रे कलर के हैं इसका मतलब अभी तक हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, हमने उनको ट्राई नहीं कर रखा है। और टेबल भाई यहाँ पे कुछ तख्ते पे पड़ा हुआ है भाई, क्या पड़ा है? ये भी तो कुछ पड़ा है भाई तख्ते में, क्या? यू कांट कैरी एन मोर आइटम्स। हाँ बट देख तो सकता हूँ यार, देखना चाह रहा हूँ मैं क्या ये। तो यार ऐसा भी हो रहा है ना, जो ग्रीन वाली घास है जो हमको सही कर रही है, इसको ना मिक्स करके हम एक पाउच में भी रख सकते हैं, जिससे ना ये हमको हील तो करेगी बट साथ ही साथ हम ज़्यादा को कैरी कर सकते हैं। तो ये वुडन माउंट के अंदर इसको खोल ही नहीं सकते, चेक करो, खोल जा भाई। इस पे पेपर है तो खाली, उस पेपर पर लिखा भी नहीं है कुछ, इंक ऐसा तो नहीं है कोई जादू वादू इंक होती हो जिससे हम इसको पढ़ पाते हो। तो आगे तरफ जाते हैं, वाले जो कमरा था ना वहाँ वाले में दिख रहा था कि ग्रे, ये डोर के आगे ना ग्रे कलर का बन रखा है, इसका मतलब इसको हमको चेक करना है। दवाई वाई क्या है? होम्योपैथी की दवाई रख रखी है क्या? और चमक भी रही है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यार यहाँ पे एक बॉटनी की बुक पड़ी हुई थी जिसमें बेसिकली ये लिख रखा है कि तीन चार टाइप्स की हर्ब्स होती हैं, जो ग्रीन वाली होती है उससे तो तुम्हारी हेल्थ रिकवर हो जाती है, ब्लू वाली से ऐसा होता है तुम्हारे शरीर में जो टॉक्सिन्स आए होते हैं, मतलब जहर वहर जो तुम्हारे शरीर में घुस गया है वो रिकवर हो जाता है, और रेड वाली से कुछ नहीं होता है, लेकिन रेड वाली को ग्रीन में मिलाओगे तो भाई कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ खतरनाक ही भयंकर चीज़ हो जाती है। बाकी इसके अलावा ये लोग एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाए, उससे पहले इन लोगों का पंटा धार कर दिया इन ज़ॉम्बीज़ ने इनकी रेड मार दी। ओके तो पेजेस आर ब्लैंक, यहाँ पे एक जर्नल पड़ी हुई है उसके पेजेस ब्लैंक है, और एक लाइटर पड़ा हुआ है, इसको फेंक दो, मेरे को नहीं चाहिए तख्ता, तख्ते से मैं क्या करूँगा, तख्ता फेंक दो, तख्ते को भाई गिराते कैसे हैं? चलो इधर की तरफ भाई, अरे सब 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 मुंह कहाँ से आ गया तू, गोली मारो, एक और गोली खा भाई, तीन चार कितनी वेस्ट कर पाएगा गोली भाई मेरे, कुछ दे दे चार गोली दे दे, मर रखा है यहाँ पे, कहाँ कर रहा है भै भै भाई, दरवाजे के अंदर कहाँ से आ रही है आवाज़? वहाँ की तरफ से आ रही है, बस दरवाजे के पीछे तो नहीं छुपा हुआ है कोई भाई? घास
यहाँ पे अलग अलग टाइप की घास पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ बुझा हुआ फायर प्लेस, तो इसके लिए तो लाइटर होना चाहिए यहाँ पे, लाइटर तो उधर पे था यार, तो वहां पे ना मैं वो फायर प्लेस जलाना है ना, उसके लिए यहाँ पे से लाइटर उठा लेते हैं। बट इसमें एक बहुत बेकार सी चीज है ना गाइस यार, इसमें हम आइटम्स को ड्रॉप नहीं कर सकते भाई इस गेम में, मतलब मेरे हाथ में आइटम पड़ा हुआ है तो हाथ में ही रहेगा भाई, उसमें गिरा नहीं सकता भाई, मतलब मेरी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है मतलब, तो मुझे ये फेंकनी है, कहाँ से फेंकूँ इसको मैं। पहुँच गए इधर पे और ना यहाँ पे था फायर प्लेस, अबे फायर प्लेस जलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है भाई, अनलिट है, आग यहाँ पे जला देंगे हम, जलाएंगे रुको रुको, और लाइटर को हम इधर पे यूज़ कर देंगे, लाइटर से हम फायर प्लेस हमने जला दिया भाई। ये सामने कुछ बुक वुक पड़ी हुई है भाई, कुछ काम का निकल जाए लाइन, कुछ काम की चीज़ है इधर पे यार। आइटम बॉक्स तो पता नहीं कम मिलेगा, ऐसा करते हैं ना ये तख्ते को जलाने की कोशिश करते हैं भाई, इसको जला दो, जला दे इसको, जला। अरे भाई जला तो नहीं, बट ये कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ ये भाई, कहाँ गया वो तख्ता? ओके देयर इज अ मैप ऑफ मेंशन 2F, ओके तो हम पे फर्स्ट फ्लोर का भी मैप आ गया, हम पे सेकंड फ्लोर का भी मैप आ गया। ये घास उठा लेते हैं, इसमें से ऐसे करते हैं, रेड वाली हब और ग्रीन वाली हब को ना मिक्स करके कुछ बनने वाला है, तो ये बना के देखते हैं भाई, लेकिन इसके लिए जगह ही नहीं होगी अब, आई कांट कैरी इट एनीमोर। यार ये तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे यार, थोड़ी दिक्कत होगी। और भाई खिड़की से बाहर ना इसको टोटल अंधेरे वाला फॉरेस्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं आसपास भाई। यार ये घास याद रखना, इधर पे घास पड़ी हुई है, आगे पे आइटम बॉक्स वगैरह मिलेंगे तो फिर देखेंगे। चलो तो यहाँ सीधे चलते हैं और हम जाते हैं नीचे, जो नीचे से आवाज़ भी आ रही है, मुझे लग रहा है नीचे पे ज़ॉम्बी भी है, तभी वहाँ नीचे से आवाज़ जैसी आ रही है। नीचे की तरफ भागते हैं भाई, नीचे है ना, मैं कह रहा था नीचे ही होगा। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था ना इस गेम में कि यार ज़्यादा ज़ॉम्बी से ना हमें नहीं लड़ना चाहिए भाई। गन तो पकड़ ले तू अपनी, क्या कर रही, इक्विप भाई, और रीलोड भी करनी होगी भाई गन में, वो भी नहीं हो रखा भाई। गोली खा, गोली खा, गोली खा। अरे भाई मैं रखा, मैं गोली खाता हूँ क्या? ओ भाई दो गोली में तो गया है, गिर गया भाई, दो गोली में गिर गया, मुझे लग रहा है फिर से उड़ जाएगा ये। ओके भाई फिर से कहा था ना उड़ जाएगा, मारो एक बची गोली भी खा ले, अब तो मर जा अभी मेरे भाई। ओ भाई ये क्या गिरा इसने, उल्टी उल्टी एसिड भी फेंक दे रहा है, क्या एसिड एक उल्टी कर दे रहा है भाई। भाई कितनी 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 गोली खाएगा तो दरवाजों को ना ट्राई करते हैं एक बार ना, पहले यहाँ जाके देखते हैं ये दरवाजा कहाँ ले जाता है, वहाँ पे भी एक दरवाजा दिख रहा था ना, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं। यार बैरी लोग गए कहाँ, ये कहाँ पे टाइपराइटर, चलो सेव का तो मिल गया पॉइंट यार, इधर पर मुझे लग रहा है आराम से हम गेम सेव कर सकते हैं, और आइटम बॉक्स भी कहीं यहीं पे पड़ा होगा। ओके तो शायद से यही आइटम बॉक्स, तो यार आइटम बॉक्स मिल गया, अब कम से कम हम चीज़ों को इधर उधर तो कर सकते हैं। ओके तो जैसे एम्बलम हमने इधर रख दिया, मास्टर की तो मैं चाहिए हो सकती है यार, इस वाले चाकू की भी ऐसी कोई खास जरूरत पड़ नहीं रही है ना, इसको भी ऐसा करते हैं इसी में संभाल देते हैं। बाकी ये लाल घास को रखते हैं उधर पे जाके ना, इसको मिक्स करेंगे। ओके तो लाइटर भी रख देते हैं भाई, कहीं से चाहिए होगा तो ना यहाँ से उठा ले जाएंगे, कमरा याद रखेंगे किधर पे, इस कमरे की लोकेशन ना याद रखते हैं। ओके तो यहाँ पे मैप पे मार्क हो ही गई है लोकेशन, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके हम दोबारा चीज़ों को सेव वगैरह कर लेंगे भाई। यहाँ पे और क्या गया इस कमरे में, जमीन पे लेटर पड़ा हुआ है किसी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, भाई मरी हुई बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए इसमें लिखा हुआ भाई कैसे डिस्पोज करना है। तो भाई ओके तो यार इसमें लिखा हुआ है ना कि जैसे ये लोग सोच रहे थे ना, जो लोग मर गए हैं वो मरे नहीं है भाई, वो जिंदा हो जा रहे हैं दोबारा, और उनको दोबारा एक्टिव करने से बचाने के लिए या तो उनका खोपड़ा उड़ा दो, या तो उनको पट्टे से हेडशॉट दे दो और हेडशॉट में उनकी गर्दन उड़ा दो, या फिर इंसिनरेशन, या फिर उनको जला दो भाई। तो भाई अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जो मेंशन के फर्स्ट फ्लोर में है वहाँ ऑयल है, बस जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लो, तेल को जलाने के लिए तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। हाँ लाइटर तुम्हें मिल ही गया, तो लाइटर का कोई इश्यू थोड़ी ना है भाई। ये क्या शरबत वरबत क्या पड़ी हुई है, फ्यूल कैंटीन भाई, ये जलाने के लिए उनको, चलो उसको हाथ में रख लेते हैं, बाद में इधर डाल देंगे। तो अब ऐसा कर रहे हैं इस कैरोसिन के डब्बे से अपने वाले जो छोटा कैन था ना उसमें थोड़ा सा कैरोसिन भर ले रहे हैं, कभी किसी को जलाना होगा तो उधर पर हम जला लेंगे। इसी के साथ ना रेजिडेंट ईविल के पार्ट 1 में आज इतना ही खेलते हैं। अब जिल वैलेंटाइन क्या क्रिस रेडफील्ड को और कैप्टन अल्बर्ट वेस्कर को ढूंढ पाएगी, क्या है इस बड़े से मेंशन का रहस्य, और आखिर रेकून सिटी नाम के इस शहर को ये हुआ क्या, यहाँ ये ज़ॉम्बी अटैक कैसे हुआ, ये सब पता चलेगा इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेजिडेंट ईविल गेम प्ले सीरीज। सो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।